नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ITI से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर ITI से रिलेटेड कोई कैंपस प्लेसमेंट को लेकर कोई अपडेट हो, मैं कोशिश करता हूँ आप सभी ITI स्टूडेंट्स तक जल्द से जल्द पहुँचाने की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग चर्चा करेंगे न्यू हॉलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये स्पेशली ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब इस कंपनी के अंदर जो है ट्रैक्टर जो है उनका निर्माण किया जाता है। तो इसी में जो है कैंपस प्लेसमेंट होने जा रहा है इसी कंपनी के द्वारा। इसी को लेकर कुछ डिटेल्स आज के इस वीडियो में जो है मैं शेयर करने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो कैंपस प्लेसमेंट है इसका आयोजन किया जा रहा है गवर्नमेंट ITI गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बरारा 8 होली अंबाला। तो अंबाला के अंदर जो है ये आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट ITI कॉलेज है अंबाला में, जहाँ पे जो है इस कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। कैंपस इंटरव्यू सभी NCVT SCVT यानी कि NCVT बोर्ड से जो पास आउट स्टूडेंट है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और जो SCVT बोर्ड से पास आउट कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को, तो 12 अक्टूबर 2021 को जो है इस कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा को सुबह 10 बजे गवर्नमेंट ITI बरारा 8 होली इन न्यू हॉलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा द्वारा। ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी है न्यू हॉलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। अतः इच्छुक छात्र नीचे दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार अपने पूरे दस्तावेजों सहित दिए गए समय पर पहुँचे। जो दिया गया समय है 12 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे जो है इस कॉलेज में पहुँचना है। अब इसके बाद में जो है दोस्तों कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में बता देता हूँ आपको। कंपनी का नेम वही न्यू हॉलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रैक्टर एंड कंबाइंस, ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर का ये मेनली निर्माण करती है। कंपनी का जो प्रोफाइल है वो यही है। एलिजिबल ट्रेड की यदि बात करें, फिटर ट्रेड, टर्नर, पेंटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक, ये वाली जो ट्रेड वाले कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी और स्टाइपेंड जो है यहाँ पे 12,150 रुपये पर मंथ रहने वाला है। अप्रेंटिसशिप, मतलब यहाँ पे जो है एज ए अप्रेंटिसशिप आप लोगों को रखा जाएगा। टोटल जो है 180 वैकेंसीज, NOS का मतलब नंबर्स जो है यहाँ पे, मतलब 180 जो है ओपनिंग्स यहाँ पे निकली है, यानी कि 180 कैंडिडेट्स की इनको ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको जो है कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री मिलेगा। कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी कुछ वहाँ पे, नाश्ता वगैरह वो फ्री मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो भी आपको कंपनी के आसपास के जो नज़दीकी इलाके हैं वहाँ से जो है बिल्कुल फ्री मिलेगी। ITI के अलावा, ये तो सारी की सारी ITI ट्रेड्स है, ITI के अलावा यहाँ पे जो है डिप्लोमा ट्रेड वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले जो है कैंडिडेट्स डिप्लोमा इन मैकेनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये वाली जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। 12,150 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। ट्रेनिंग 1 ईयर एज 18 to 24। यहाँ पे जो है आप ये देखिएगा कि एज जो है ITI स्टूडेंट्स के लिए भी जो है 18 to 24 एज का क्राइटेरिया रखा गया है, और 18 to 24 ईयर्स जो है वो एज डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी रखा गया है। डिप्लोमा ITI स्टूडेंट्स जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए रखे जाएंगे यहाँ पे, और इसके अलावा जो डिप्लोमा स्टूडेंट है वो ट्रेनिंग 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रखे जाएंगे। यानी कि ये जो जॉब है ये परमानेंट नहीं रहने वाली, ITI स्टूडेंट्स के लिए जो है अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप लोगों का वर्क अच्छा रहता है तो आप लोगों को जो है परमानेंट भी रखा जा सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करें तो यहाँ 10th 12th ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ट्रेनी पास आउट इन 2018-19-20। तो 18-19-20 वाले जो भी पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है ITI स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।